लोग आ चुका है गाइस डिपार्टमेंट ऑफ फ्रूट सप्लाई गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। राशन कार्ड रिलेटेड में क्लिक करना है। सेल्फ सर्विस राशन कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। शिफ्टिंग फैमिली बाय आधार का थ्रू क्लिक करना है। जब दोस्तों हम लोग इसमें क्लिक करेंगे, करने के बाद यहाँ पे हमको क्या करना है, आधार नंबर दर्ज करना है। तो अभी यहाँ पे राशन कार्ड नंबर को दर्ज करना है। राशन कार्ड नंबर दर्ज सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे उसी का पूरा डिटेल्स शो करेगा। अभी हमको यहाँ पे टिक मार्क करके सेंड ओटीपी में क्लिक करना है। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे आधार ओटीपी के थ्रू आप किस तरह फैमिली भाग कर सकती है, वो भी ऑनलाइन विदाउट सेंटर में जाके, ठीक है, आप घर बैठे कर सकती है। हम लोग सेंड कर दिया ये ओटीपी, जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी में चला जाएगा ओटीपी। यहाँ पे हम लोग ओटीपी दर्ज कर दिया है। दर्ज करने के बाद यहाँ पे हमारा टोटल मेंबर्स शो करेगा, कितना मेंबर्स है, किसको शिफ्ट दूसरा फैमिली भाग करना चाहता है, फैमिली अलग करना चाहता है, तो हम लोग कर दिया है। करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है। यहाँ पे दो लैंग्वेज में शो करेगा क्योंकि दोस्तों वेस्ट बंगाल से हम लोग हैं। अरे यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट हेड ऑफ द फैमिली का मेंबर को सिलेक्ट करेंगे। और सबसे पहले बता दूँ दोस्तों, एक काम सिर्फ वेस्ट बंगाल वालों कर सकती है घर बैठे ऑनलाइन आधार का थ्रू, ठीक है। यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे लोडिंग लेगा। लेने के बाद यहाँ पे आपका सिलेक्ट एड्रेस ठिकाना परिचय बोल के बताएगा। यहाँ पे मालदा करेंगे। यहाँ पे हमारा जो म्यूनिसिपल होगा, यहाँ पे हमको म्यूनिसिपल को सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे हमको पंचायत सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमको यहाँ पे हमारा विलेज शो करना पड़ेगा, जो भी हमारा विलेज होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे विलेज को सिलेक्ट करेंगे। और विलेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे कस्टमर का विलेज का नाम क्या है, उसके बाद ही आप लोग सेलेक्ट करना। अपना मर्जी से सिलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ पे आपको नाम बताएगा उसी नाम को सिलेक्ट करना है। मैं गाइस यहाँ पे नाम सिलेक्ट करेंगे, करने से पहले कस्टमर से पूछेंगे। मैं आप लोगों को बता दूँ, इस वीडियो के जरिए अगर आपका आधार कार्ड में फ़ोन नंबर लिंक है तो आप घर बैठे 24 घंटा के अंदर आप फैमिली, न्यू फैमिली क्रिएट कर सकती है, वो भी 24 घंटा के अंदर। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पूरा जानकारी मैं बता दूंगा। चलिए यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर दिया है। करने के बाद लोडिंग लिया है। यहाँ पे हमको पिन कोड सिलेक्ट करना है, जो भी पिन कोड रहेगा उस पिन कोड को यहाँ पे हम लोग डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा पोस्ट ऑफिस आ जाएगा। पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट करना पड़ेगा हमको अभी। पोस्ट ऑफिस, चलिए यहाँ पे हम लोग पोस्ट ऑफिस को डाल देंगे। कुछ डिटेल्स दोस्तों आपको हाइट मिलेगा, आपको मेंटेन कर लेना है। यहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन बताएगा, जो भी पुलिस स्टेशन होगा उस पुलिस स्टेशन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। चलिए यहाँ पे हम लोग पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करेंगे। बाद में दोस्तों नीचे आप लोग देख सकती है स्टोर में होम लोकेलिटी पारा रोड शो, जो भी आपका नाम होगा पारा का उस नाम को डाल देना है यहाँ पे, गाँव का नाम। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट FPS, जो आपका दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर होगा, जो डीलर होगा उसका नाम यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। चलो यहाँ पे हम लोग नाम ज्वाइन कर देंगे। नाम ज्वाइन करने के बाद दोस्तों ये काम पूरा करने के लिए आपका अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, तब दोस्तों आपका स्पीड में काम होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग डाल दिया है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे बता रहे दोस्तों अल्फाबेटर को भी आपका स्पेस कॉमा डालिया अगर आपका है तो काटना पड़ेगा। तो चलो मैं यहाँ पर काट दिया हूँ। और काटने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हम लोग आ चुके हैं सबमिट करने के बाद। ये दोस्तों आपको पूरा शो करेगा, आपका पूरा डिटेल शो करेगा। अभी यहाँ पे दोनों में टिक मार्क करना पड़ेगा। चलिए हम लोग दोनों में टिक मार्क करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। वो तो नेक्स्ट बोलो तो सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर बताया दोस्तों, देख पा रहे जो हमारा चेंजेस किया है, हम लोग 24 घंटे के अंदर हम लोग देख पाएंगे, यानी हम लोग 24 घंटे के अंदर ही हम लोग देखेंगे जो फैमिली, न्यू फैमिली क्रिएट हो गया है। अभी हमको क्या करना है, चलिए ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे ई राशन कार्ड जो आपका दोस्तों होगा, ERC राशन कार्ड यहाँ पे आपका आ जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे ERC में। ERC में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को सामने पूरा डिटेल शो करेगा, कितना राशन कार्ड है उस फैमिली में वो आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, डाउनलोड में क्लिक कर देंगे और हम लोग सेव में चला जाएंगे, सेव कर देंगे। गाइस से दोस्तों काम करने के लिए सैंपल प्रोसेस है। आधार कार्ड में जो अपडेट होता है दोस्तों, चेंजेस होता है बोलो तो, आधार OTP के थ्रू अगर आप लोग करेगा तो आपको कोई भी जो आपका फ्रूट डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल
ऑफिस होता है वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे कर सकती है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे शो कर रही है हेड ऑफ़ द फैमिली, जो नाम हम लोग सिलेक्ट किया है उसी नाम यहाँ पे आ चुका है। आने के बाद हम लोग सबमिट कर दिया है पूरा ऑलरेडी। गाइस हमारा यहाँ पे जो परिवार भाग कोक्रिया सैंपल तो जो हमारा था वो हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। थैंक यू वीडियो देने के लिए, मिलेंगे अगले वीडियो में जो नया अपडेट लेकर आएंगे।